make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. ये कंपटीशन मॉडल है, कह रहा है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या तो मालूम है, मान लीजिए एक विषम संख्या है तो तीन भी क्या है, विषम संख्या है, पांच भी विषम संख्या है, सात भी विषम संख्या है। तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है दो जोड़ा गया है तो अगला विषम संख्या प्राप्त हुआ है, इसमें भी दो जोड़ रहे हैं तो अगला विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, जो कि ये लगातार ही है। इसमें भी दो जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, अगला विषम संख्या। और एक कर्मागत, क्रम से कर्म आगत, कर्मागत कर्म जोड़ आगत, क्रम से आने वाला, आगत मिस होता है आने वाला, क्रम ऑर्डर से आने वाला। तो एक हमारा क्रमागत विषम संख्या है, इसी को ना क्रम से, एक के बाद तीसरा होना चाहिए, तीसरा के बाद पांचवा, सातवा, 9, 11, 13 यही ना है। तो हमें तो मालूम नहीं है और कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मालूम नहीं है कि कौन तीन वो विषम संख्या मिलके 93 हो जाएगा। तो मान लीजिए हम उस अज्ञात राशि को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं x। तो अगला क्या प्राप्त होगा, जब इसमें दो जोड़े हो, मान लीजिए एक ना होके ये x हो गया, तो तीन जब प्राप्त हुआ है तो अगला क्या होगा, इसमें दो जोड़ा जाएगा यानी x प्लस 2। अब ये तीन के जगह हो गया x प्लस 2, एक के जगह हो गया x, नहीं, अब जो ये पांच नंबर है मान तीसरा है, अगर लिखना हो हमें तो अब क्या करेंगे, देखो कि तीन जोड़ में दो जोड़े तो अगला प्राप्त पांच प्राप्त हुआ है, तो हम भी अब क्या करेंगे, इसमें x प्लस 2 में क्या जोड़ देंगे, दो जोड़ देंगे तो अगला प्राप्त हो जाएगा। और चाहते अगला प्राप्त करने के लिए तो आप क्या करते हो, x प्लस 2 प्लस 2 में क्या जोड़ते, प्लस 2 जोड़ते, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाता, फिर प्लस 2 होता तो 9 होता, तो ये हमारा इतना है। अगर अगला फिर प्राप्त करते तो x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 में क्या कर देते, प्लस करते ना। तो अब ये हो गया हमारा x, ये हो गया x प्लस 2, ये हो गया हमारा x प्लस 4, 2, 2, 4, ये हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 6, 2, 2, 4, 2, 6, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। बात समझ में आई। तो अगर इस तरह के प्रश्न आए, कर्मागत कहे, अगर चार तक कहे, तीन तक कहे तो x प्लस 4 तक जाएंगे, अगर चार कहे तो x प्लस 6 तक जाएंगे, और अगर पांच कहे तो x प्लस 8 तक जाएंगे, ठीक है। तो यूं समझिए कुछ नहीं है, आप मान लेना पहला विषम संख्या x, दूसरा विषम संख्या x प्लस 2, तीसरा विषम संख्या इसमें अब दो जोड़ दो x प्लस हो, और ये कह रहा है कितना है हमारा 93। तीन लगातार विषम संख्याओं का योग 93 है, तो विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए x x x कितना x, 3x जोड़ोगे ना, इसको जोड़कर बोल रहा है कि योगफल जो है 93 है। अभी ये कितना हो गया, 4, 2, 6, समीकरण निकालना पहले ही सिखा, समीकरण का हल निकालना पहले ही सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार जान लीजिए। तो 3x पर बराबर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाकर, 93 में से छेद जाएगा कितना हो जाएगा, 87,
87 है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 87/3, ये हमारा हो गया 29। और कह रहा है कि वो लगातार तीन विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम क्या माने थे x, x हो गया 29। दूसरा का क्या है x प्लस 2, x का वैल्यू कितना है 29 प्लस 2, ये कितना हो गया 31। तीसरा का कितना है x प्लस 4 माने हैं 29 प्लस 4, ये कितना हो गया 33। इसको जोड़िए 29 31 33, ये क्या हमारा 93 हो रहा है। 9 1 10 3 13 3 हाथ में लगा ले, 2 1 3 3 3 6 3 93 हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं सवाल, चलिए सेट करते हैं, कोई उठा लेते हैं, मान लीजिए यहां 5 7 9 11, थोड़ा देखेंगे इसको, यहां पे तीन बार उठाते हैं 5 7 9, ठीक है। एक बार और 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5, 3 5 7 9 11 13, ठीक है। चलिए और बढ़ाते हैं 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और चलते हैं 3 5 7 9 11 13 15 17, ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, देखते हैं क्या होता है इसे। ठीक है, आप हजार के बाजार सवाल सेट कर सकते हैं, मैंने एक पैटर्न दिया। चलिए इसको जोड़ते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं 7 5 12 और 9 21, ये जितना है उतना बाटा कर दो। ये सवाल कैसे सेट करते, लगातार तीन कर्मागत विषम संख्याओं का जो 21 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल सेट कर दोगे। जैसे हमने सिखाया भी आपको कैसे सवाल, कोई भी विषम संख्या रख लेना है 3 4 5 6 कुछ भी, और इस तरह से जुड़ के आप कहेंगे कि तीन लगातार विषम संख्याओं का जो 21 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ट्रिक इसके लिए है, आपको कुछ नहीं करना है, जितना योग बटा संख्या कर देना है, 21 बटा कितना बार है 1 2 3, 21 बटा 3 कर दिए हमारा 7 हो गया, ये मिडिल टर्म हो गया हमारा। मिडिल टर्म का मतलब हुआ 7 और 3 कह रहा है तो एक पीछे एक आगे, आगे में 2 घटा के लिखेंगे 5, ये तो हम लिखे थे 5 7 9 आ गया, देख रहे हैं। अब यहां पे चलिए 7 5 12 और 9 21, 11 9 20 और 7 27 और 5 32, इस सवाल सेट करके कि चार कर्मागत विषम संख्याओं का योग 32 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हम जब विषम संख्या रख रहे हैं तो अंकों का जो पर विषम ही संख्या आ रहा है, लेकिन जब सम बार रख रहे हैं, चार बार रख रहे हैं, तो अंकों का जो पर क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, लेकिन काम हमें वही करना है, देखेंगे बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब 32 बटा क्या कर दिए आप, 4 कर दिए, 4 8 32, नहीं ये तो सम विषम संख्या तो है नहीं, ये तो हमारा सम संख्या है। तो आप क्या करना, इसमें एक जोड़ देना अपने मन से, तो ये हो गया 9, आ इसको मिला के 4 बनाना है, ठीक है। तो 9 के बाद क्या आता है 11, तो 2 इधर हो गया, 2 हो गया ना, आपको रखना कितना है 4, कितना रखना है 4, तो 9 आ गया, इधर एक मिला दिए तो 9 के बाद 11 और 4 हमको रखना है, 2 इधर हो गया और 2 इधर, तो 9 के बाद इधर क्या आता है 7 और 5, यही तो हमारा है 5 7 9 11, बात समझ में आई, और देखते और क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पे आइए, यहां तो 35 बटा कितना बार है 1 2 3 4 5 5 टाइम 5 बार है,
ये हमारा हो गया सेवन, सात पच्चे पैंतीस, ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। जब अंकों का जो फल विषम संख्या में ही आए, अब विषम बार प्रश्न में ही दिया हो, पांच बार ही दिया है लगातार पांच विषम संख्याओं का ही, अब ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। अब पांच निकालना, यानी दो इसके आगे, दो इसके पीछे और दो इसके आगे, तो सात नौ ग्यारह और ये पांच तीन, यही ना आया है, देख रहे हैं। अब इस पर आइए, अब इसको जोड़िएगा तो यहां तक हमारा पैंतीस था ना, और तेरह जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अड़तालीस हो जाएगा। तो जैसे देख रहे हैं कि सोमवार में आ रहा है तो संख्याओं का जो फल भी क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है, तो अड़तालीस बटा क्या कर दिए यहाँ पे, कितना बार है, एक दो तीन चार पांच छ, छ बार है, आठ छ अड़तालीस। अब क्या करें, जब सम संख्या में आ जा रहा है तो उसमें से अपने मन में से एक जोड़ देना है, ये हो गया हमारा नाइन। आई इसको रखते हुए छह पुगाना है, ठीक है, तो तीन इधर गिन लेंगे तो इसी को इसमें शामिल किए दो, नौ ग्यारह तेरह और तीन इधर कर दे, इसको गिनते हुए तीन इधर छ है ना, तो तीन इधर और तीन इधर, अब सात पांच तीन, यही सब तो संख्या हम रखे हुए थे, बात समझ में आई, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब वही चीज करोगे तो इतना मिला जुला के है कि जब सम संख्या में आए तो उसमें एक जोड़ देना, उसको काउंट करते हुए इधर लिख देना और बाकी इधर लिख देना, ठीक है। चलिए हम बुझावन खेलते हैं, जैसे आप लोग बचपन में खेले होंगे बुझावन, जानते हो ना, उजर बिलाई के हरियर पूछ, उसी तरह का है ये, तो हम लोग तो उधर उजर बिलाई के हरियर पूछ, आप देह भर कांट की हितिचा का छौड़ी के दे देह भर अमहौरी हमौरी, इस तरह कहते हो ना, नकवे टीन, तो रही ला चाना काका ना खेले हैं आप लोग, तो हम लोग यहाँ पे वही काम करने हैं, बुझो तो जाने, तो आपको एक बुझावन करना है, किसी से बुझाना है। बुझाना कैसे है, आप कोई भी विषम संख्या लिख लेना अपने मन में इस तरह ढक के, आ कहना कि लगातार इतने विषम संख्याओं का योग इतना है, तो बताओ विषम संख्या कौन कौन है, तो अभी इसके पहले सिखाया था, तो कुछ हम आप लोग से बुझान बुझा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना, तो चलिए बुझो तो जाने, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पांच लगातार विषम संख्याओं का योग पचपन है, तो लगातार पांच विषम संख्याएं कौन कौन है, ठीक है। उसी तरह से पांच का योग 275 है, पांच का 285 है, चार का 32 है, चार का 296 है, चार लगातार विषम संख्याओं का जो 96 है, और उस तरह पांच का 225 है, तो आपको संख्या जो है कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल SETI मस्ती को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को पहुंचाए, आपसे यही आग्रह और विनती है।